हेलो, अगर आपके पास भी पुरानी कुर्ती पड़ी है, अगर आप उसको फेंक देना चाहते हो तो फेंकेगा नहीं। आज इसका हम बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा ये आइडिया। उसके लिए मैंने क्या किया, ये पुरानी कुर्ती ली है। ये हमें यहाँ पे दो कलर की कुर्ती चाहिए, पुरानी हो या नया कपड़ा हो, कुछ भी चलेगा, मोटा या पतला कोई भी कपड़ा चलेगा। हम बहुत सी सुंदर चीज़ बनाने वाले हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेपर कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, उसको ऐसे दो बार फोल्ड कर दिया है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। इस तरह से हमने दो बार फोल्ड कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वो क्या बोलते हैं उसको, हम बिछाते हैं वो वाला आज हम बनाएंगे, जो हम खाने से पहले हम बिछाते, आसन बोलते हैं ना। हाँ, आज हम आसन बनाने वाले हैं। आप इसी तरह से सेम प्रोसेस से आप ये बहुत बड़ा भी बना सकते हो, पूरे के पूरे होल जैसा बना सकते हो। अभी क्या करेंगे, हम 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ऐसे हम राउंड शेप लेने के लिए करेंगे 3.5। सभी तरह से 3.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे और अभी हम इसको कट कर देंगे। एकदम आसान प्रोसीजर है और दिखने में भी ये बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। आपको कोई भी दो कलर के कपड़े लेने हैं, पुराने हो या नए हो, कुछ भी चलेगा, दो कलर के हमें चाहिए ताकि ये बहुत बढ़िया लगे। अभी इसको हम ऐसे खोल देंगे तो राउंड शेप रेडी हो चुका है। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ जो कॉर्नर है हमारा, उस दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे स्केल की मदद से हम यहाँ पे हम लाइन बना देंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे ताकि हमें एक और स्क्वायर शेप मिल जाए। ऐसे हम करेंगे तो हमें एक स्क्वायर शेप मिल जाएगा। इसको हम खोल के देखेंगे, ये एक राउंड है और उसके अंदर एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम जो हमने हमारी कुर्ती ली है, पुरानी हो या नई हो, कुछ भी कोई भी कपड़ा चलेगा, ये कुर्ती पर हम क्या करेंगे, ये स्लीव्स का हम सबसे पहले यूज़ करेंगे ताकि ये स्लीव्स के ऊपर राउंड आ जाता है। इसलिए हम पहले स्लीव्स को कट करेंगे और उसके उसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे ताकि ये जो हमारी घड़ी है, वो क्रीज है, वो सब निकल जाए। तो अभी हमने प्रेस कर दिया है तो दोनों स्लीव्स को हमने रख दिया है और उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर ये सर्कल रख के हम निशान लगा देंगे चॉक की हेल्प से। ये रियन का कपड़ा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है काटने में। निशान लगा के काटेंगे तो राउंड से थोड़ा सा बिखर जाता है, यहाँ पे हमें आराम से यहाँ पे काम लेना पड़ेगा। और अभी हमने ये 4 राउंड कट किया है, अभी क्या करेंगे, ये स्क्वायर शेप को हम कट कर देंगे और जो राउंड है उसके बीच में हम रख देंगे और स्क्वायर शेप को हम निशान लगा देंगे चोक के हेल्प से। एकदम आराम से करेंगे ताकि ये कपड़ा हिले नहीं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे स्क्वायर शेप कर दिया है, इसी तरह से हमें सब में ऐसे कर देना है। अभी क्या करेंगे, हम स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर को रखेंगे, राउंड के ऊपर राउंड और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर निशान आए उस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम और दो लेंगे और उसको भी ऐसे स्टिच कर देंगे। ऐसे करके हम यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, अच्छे से फिट करेंगे फिर सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे शेप में रहे। अभी हमने दोनों में सिलाई लगा दी है, अभी क्या करेंगे, हम अभी एक ये दो बनाए हैं तो उसके ऊपर हम ऐसे करके हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगा देंगे। पहले अच्छे से हम एक के ऊपर एक अच्छे से रखेंगे, बाद में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ पे 4 ही सर्कल का यूज़ किया है क्योंकि मुझे छोटा सा आसन ही बनाना है। अगर आपको बड़ा सा कुछ भी बनाना है,
बड़ी मैट बनानी है या आप इसे बेडशीट भी बना सकते हो। तो बड़ा बनाना है तो आप पहले पट्टी पट्टी बना के बहुत सारे सर्कल को ऐसे लाइन में ज्वाइंट करें, फिर वन बाय वन लाइन को ऐसे ज्वाइंट करते जाएंगे, ऐसे हमारा पूरे के पूरा बन जाएगा। अभी हम बीच में स्क्वायर है वो डालेंगे। उसके लिए मैंने दूसरा कपड़ा लिया है, ये भी मेरी पुरानी कुर्ती है, उसकी भी मैं स्लीव से ही काम चला लूँगी ताकि मुझे ये बड़ा, बहुत ही बड़ा नहीं चाहिए, स्लीव में भी आ जाएगा। तो हम इसकी स्लीव को पहले कट कर देंगे और अच्छे से इसको खोल के प्रेस कर देंगे। अच्छे से खोल दिया हमने, यहाँ पे प्रेस कर देंगे हम, और उसके ऊपर हम ये स्क्वायर शेप को रखेंगे। चार है तो हमें चार स्क्वायर शेप चाहिए और इसको हम कट कर देंगे। इसको भी हमें आराम से कट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर शेप है उसको मैंने बाद में जो था उससे थोड़ा सा और छोटा कर दिया था ताकि ये अंदर की ओर रह जाए, वरना हमें थोड़ा सा बार मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्कल बनाया था उसके बीच में हम इसको रख देंगे स्क्वायर को, और साइड्स की जो एजिस है वहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगा दे जाएंगे। वन बाय वन करके हमें इसे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। एकदम आराम से करना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया बनकर आएगा। आप ज़रूर देखना उसका लुक, फाइनल लुक बहुत ही बढ़िया लगता है। स्पेशली मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप इसको एज अ डोरमेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप इसको एज अ डोरमेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, पायदान भी बना सकते हो इसी तरह से। ठीक है, अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए ये आसन भी बना सकते हो। आप ये भगवान के लिए भी बना सकते हो, तो उसके लिए आपको नया कपड़ा लेना पड़ेगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे जो जॉइंट है वहाँ पे हम दोनों को खोल देंगे, और एक को इस ओर और दूसरे को उसकी बाजू की ओर को रख देंगे हम, और उसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम पूरे के पूरे में वन बाय वन करते करते सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, एकदम आसान है और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई किया हो और अच्छा बना हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे भी स्क्वायर को रख देंगे और इसको भी हम यहाँ पे भी सिलाई को लगा देंगे। इसी तरह से आराम से स्क्वायर को रख देना है और चारों की ओर हमें फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी आ जाए ऐसी टेक्निक। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले दो बनाया है वो अच्छे से देख लेना, ये भी सेम प्रोसेस से ही हम बनाने वाले हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप सबको आ ही गया होगा इसीलिए। ठीक है, बीच का शेप है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी हमने पूरे के पूरे को बना दिया है। अभी हम एक्स्ट्रा जो धागा है वो उस
इसको निकाल देंगे। तो हमारे ये डोरमेट भी कह सकते हो, और इसको हम आसन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डोरमेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ही सेम बड़ा बनाएंगे तो इसको हम ऐसे चादर और ऐसे ऐसा बिछाने वाला जो होता है उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लगे तक